फाइनली इसमें हम कल ही से पानी चालू किए हैं, जैसा कि आप देखे थे पिछले वीडियो में। अभी देखिए हम पानी इसमें चला रहे हैं, तो देखिए नया बोरिंग है तो इसका पानी अभी हम एक तरह से बोला है तो बोरिंग की सफाई हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पूरा केवल और केवल बालू आ रहा है और पानी का प्रेशर भी उतना कोई खास नहीं है, क्योंकि जब तक यह बालू देगा तब तक उतना पानी हमको नहीं उठाएगा। और जैसे ही यह पानी मान लीजिए कि साफ़ हो जाएगा, यानी बालू इसमें आना बंद हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं पूरा एकदम केवल बालू ही आ रहा है, तो यह पानी पूरा साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि देखिए कल या परसों तक यह फूल हो जाएगा, तो हम मंगलवार को इसमें जो अपना छोटा वाला तालाब है उसमें से बच्चा ला करके पलट देंगे इसमें। और मेरे पास बच्चा में नैनी, रेहू, कतला, यही सब तीन वैरायटी का बच्चा है। और फरवरी बाद इसमें हम लोग प्यासी डालेंगे 10 या 12 हज़ार, तो उस टाइम फिर आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिट्टी गिरा था इसको हम फिलहाल 2 दिन लगा है लेबर रखकर लेवल करवा दिए हैं, और आज इसमें हम गड्ढा खुदाई का काम करवा रहे हैं। जैसे कि पिलर कल हम इसमें ढलाई करेंगे, देख सकते हैं आप 2 आदमी लगे हुए हैं और गड्ढा खोद रहे हैं। और इसमें जैसा कि आप उधर देखिएगा हम 25 स्क्वायर पाइप गिराए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिट्टी कम हो गया है, तो जेसीबी ख़राब होने की वजह से जेसीबी नहीं आया, तो हम लेबर से काम कराए हैं। फिलहाल अभी ट्रैक्टर बुला करके इसको जो रोटावेटर से इधर हम मिट्टी खिंचवा के लेबर करवा देंगे। और देखिए आप वहाँ पे हम 25 पाइप गिरवाए हैं स्क्वायर वाला, क्योंकि एक बार इसको ढलाई करवा देंगे तो 10 साल 11 साल जाएगा यह, और 11 साल का मेरा पोखरा लीज है, तो बांस हम डालेंगे तो सड़ जाता है, इसके चलते हम 25 स्क्वायर पाइप इसमें डाले हैं और एक पाइप में 3 कटिंग करके पूरा हम ढलाई करवा देंगे। तो कल ढलाई होगा तो आपको वीडियो दिखाएंगे। ट्रैक्टर से पावर जो रोटर है इसी से हम देखिए इधर लेबल करवा दे रहे हैं, देखिए किस तरह से लेबल हो रहा है। ये अपना घर का ट्रैक्टर है तो हो जा रहा है, बाकी दूसरा कोई इस तरह से नहीं करता है, तो देखिए कितना अच्छा से मतलब लेवल हो रहा है। देख सकते हैं इधर लगा हुआ गोटा हो जा रहा है। इसमें जो पौधा लगाना है अमरूद का, जो पौधा का बात हुआ, देखिए इसे गड्ढा वड्ढा बनवा दिए हैं, तो पौधा लगाने से पहले हम ये हाथी छाप जाल लाए हैं, जिससे कि इस पर पूरा हम पेंट का काम फाइनल हो चुका है, तो पूरा बाहर बाहर से जाल लगा देंगे। उसके बाद कल हम झटका मशीन का इसमें फेंसिंग करेंगे, उसके बाद जब पूरा फेंसिंग वगैरह हो जाएगा कंप्लीट तब इसमें हम मतलब पौधा लगवाएंगे, जिससे कि मतलब बकरी उकरी या कोई जानवर उसको आकर के नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी इसको हम लोग लगाते हैं। कैसा उसका रिजल्ट है? अच्छा ठीक है, वो हम लगा लेते हैं। प्राइस क्या क्या है अमरूद का बताइए, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आता है उसका प्राइस। पौधा पहले सबसे पहले दिखाइए हमको। ये जी प्यारा अमरूद उस वहाँ लगाइए, थाईलैंड वाला अमरूद लगाइए वहाँ पे जी, ताकि पौधा इतना ही हाइट आता है उसका। थोड़ा चलिए पौधा दिखा दीजिए हमको, 6 फीट 7 फीट 8 फीट सभी पौधों का वैरायटी दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये आपका हो गया, ये कौन सा पौधा? ये वाला आपका हो गया L49। L49 लखनऊ 49 है ये जी। इसका हाइट आपको पौधे का जाएगा करीबन वही 8 फीट, 8 फीट के आसपास, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा जी। और ये थाईलैंड वाला है, ये जो गुआभा है जी, थाईलैंड वाला। प्राइस क्या होगा इसका? ये आपको आपके लिए हम मतलब होलसेल में अगर देते हैं तो 80 रुपये से कम का नहीं देंगे जी जी। और ये वाला इसका प्राइस? ये भी 80 का पड़ेगा जी। और कौन कौन सा वैरायटी है आपको? VNR का अमरूद है। कौन सा है दिखाइए? VNR का। कहाँ है उसका पौधा? देखिए ये ग्राफ्टेड में आपको VNR मिलेगा, ये VNR का है। हाँ ये VNR ग्राफ्टेड है जी, ठीक है। ये वाला इसमें खासियत ये है कि ये जो पौधा है जी, मतलब एकदम ना होता सेव की तरह एकदम गोल जी, इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा फल, इतना ही साइज में, लेकिन मार्केट में इसका बहुत रेट है इसका। अच्छा, तो इस पौधे का क्या कीमत है? वो ये भी आपको इसी रेंज में देंगे, 80 से कम का पड़ेगा ही नहीं जी जी। क्वालिटी लीजिएगा तो जी, आने तो देसी में लीजिएगा, देसी वाला। देखिए देसी वाला नहीं चाहिए, वो सब देसी वाला नहीं, लेते हैं। हमको पैसा कमाना है, ठीक है, हमको पैसा कमाना है, देसी से कोई मतलब नहीं है। और वो जो बता रहे थे नींबू का पौधा कहाँ है, थोड़ा सा उसको दिखा दीजिए। कागजी भी देख लीजिए, प्योर कागजी। ये सब वेजिटेबल का भी पौधा रखे हैं क्या? अच्छा, ये जो आपको ये जो पौधा आपको अभी दिखा रहे हैं, ये वाला सामने वाला जी, ये आपका कागजी हो गया, जो वेपर लाइट के लिए देखिए बनाए थे। इसमें वेपर लाइट वगैरह भी सब बांध दिए हैं खूब अच्छा से,
तीन भेपर इस साइड बांधे हैं और तीन भेपर आपका उस साइड बांधे हैं। और इसमें देखिए पानी का थोड़ा सा कम हुआ था तो पानी अभी फिलहाल मोटर लगा करके अब पानी चला रहे हैं, देख सकते हैं ये। और इस पर जो हम पौधों के लिए जो गड्ढा बनवाए थे इसमें जैविक खाद मिलवा करके और इसमें देखिए मिट्टी उसको कबड़वा दिए हैं थोड़ा सा, इसमें आज पानी में डलवा देंगे, वैसे नमी है कोई दिक्कत नहीं है। और पौधों का जो बात हुआ है या कल या परसों हो सकता है तो पौधा आएगा और आकर के आपका लग जाएगा। अब चलिए आपको दिखा देते हैं भेपर जो हम लगाए हैं। देख सकते हैं पूरा भेपर जो लगा है, कि तालाब के चारों ओर हम पौधा लगवाएंगे। तो देखिए फिलहाल में अभी हम पौधा ला करके प्लांटेशन कर चुके हैं, 120 पौधा लाए हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये अमरूद भी लगाए हैं, यह केजी प्यारा अमरूद है, और यह अम्रपाली दो आम लगाए हैं और दो लीची का पौधा लगा है। और बाकी उधर देख सकते हैं वहाँ से पूरा वहाँ तक 10 पेड़ बैर का है, उसके बाद 5 शरीफा है, फिर वहाँ से वहाँ तक अमरूद है, और फिर वहाँ से वहाँ तक पूरा थाई अमरूद लगवाए हैं। तो इसका डिटेल्स में कोई वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और इस साथ ही साथ में हम एक पौधा लाए हैं यहाँ पे, देखिए छोटा सा देख सकते हैं आम का पौधा, वो सालों भर आपका फल देगा, साल में 4 बार आम आपका फरेगा। तो एक यहाँ पे लगाए हैं, जस्ट उसके सिधाई में एक वहाँ पे लगाए हैं, जब यह मिट्टी भरवाएंगे तो फिर एक यहाँ पे हम आम डलवा देंगे। तो पूरा अभी इसको फाइनल झटका मशीन का फेंसिंग करना है, चूँकि मान लीजिए ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है तो सेफ्टी ज़रूरी है, लाइट वाइट लग गया है, झटका मशीन लगाएंगे तो वीडियो डालेंगे। पैर लगवा रहे हैं मतलब, तो देख सकते हैं इसमें थाई बैर भी हम लगाए हैं। थाई बैर का यही खासियत है, देखिए अभी पौधा है छोटा छोटा और इसमें फल आप देख सकते हैं, और यह फल इतना अभी मीठा है। हम लोग के यहाँ जो देसी बैर होता है वो बहुत कड़वा होता है, मगर इसको खाने पे इतना ही मीठा लग रहा है। और यह लगभग इतना बड़ा साइज़ का होगा, मतलब बोला जाए तो 100 ग्राम में दो, मतलब फाइनल जैसे कहते हैं वैसे पूरा फाइनल ख़त्म हो चुका है। जैसे इसमें पेड़ पौधा सब हम लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप, इधर अमरूद का पौधा है और इधर झटका मशीन का फेंसिंग भी आज कर दिए हैं। तो अभी टेस्टिंग के लिए फिलहाल यहाँ पे अर्थिंग उठा रहा था, तो चलिए अभी इसको हम सही कर दिए हैं। और झटका मशीन छोटा वाला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हम मतलब पूरा चारों ओर से झटका मशीन का पूरा फाइनल सेटअप हम कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और 4 इंसुलेटर हम दिए हैं देखिए, और यहाँ कॉर्नर पर 4-4 कॉर्नर दिए हैं, देख सकते हैं आप। कॉर्नर लगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, यह मेरा खुद का तालाब है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा से इसको हम लगाए हैं। और देखिए इतना दूर होने के बाद भी ये करंट उठा ले रहा है, तो अभी फ़िलहाल इसको हम फिर चालू करेंगे, देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अभी झटका मशीन का हम टेस्टिंग यहाँ पे, देखिए उतना दूर हमला कॉर्नर होने के बावजूद भी देखिए किस तरह से वो करंट उठा ले रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे करंट उठा रहा है वह। तो अभी हम उतना इसको दूर किए हैं फिर भी अभी सही नहीं हुआ है, पता ना क्यों करंट उठा रहा है। हालाँकि सब जगह कॉर्नर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी चलिए इसको फिलहाल सेटअप करते, वही जब दिक्कत बा, वही जब प्रॉब्लम बका। देख सकते हैं यहाँ से कभी इमरजेंसी में आने के लिए यहाँ पे एक गेट बनाए हुए हैं, कभी आना हो बाइक से अगर इधर से आ गए तो इधर यहाँ पे हम इस वायर को केवल हटा देंगे और आपका इधर से आ जा सकते हैं। इधर साइड में देख सकते हैं बच्चा डाला गया है, तो पक्षियों से नुकसान था जिसके कारण अभी इसमें फिलहाल धागा बांध करके इसको लटकाया गया है। और मछली को आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर आ रही है, जा रही है। और झटका मशीन का इंडिकेशन देखिए कितना तगड़ा है, यहाँ भी आपका चट चट आवाज़ कर रहा है। तो यह एक दो जगह पूरा मतलब फेंसिंग में फॉल्ट होने के वजह से फ़ायदा यह है कि कोई भी आदमी आएगा तो उसको अनुभव हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें लाइट आ रहा है, तो वो अपना संभल के जाएगा, इसमें अंदर आने का प्रयास नहीं करेगा। देख सकते हैं इधर जहाँ जहाँ इसको, चूँकि ये लोहा का पिलर है, जहाँ जहाँ इसको थोड़ा सा कम गैपिंग मिला है, वायर सटा हुआ है, वहाँ पर करंट उठा ले रहा है। तो इससे फ़ायदा भी है नुकसान भी है, कि कभी पिलर में भी पूरा लाइट आ जाएगा, मगर फ़ायदा यह है कि कोई बाहर वाला आदमी सोचे इसमें आने के लिए तो नहीं आ सकता है, क्योंकि अब इस तरह से पट पट में इससे कोई खतरा तो नहीं है, मगर आने के टाइम में अगर मान लीजिए कि घुसने का प्रयास करेगा तो उसको ऐसा झटका लगेगा कि फिर दोबारा इसमें आने का प्रयास नहीं करेगा। और इस मशीन को लगाने का मेन पर्पस अभी फ़िलहाल में यही है कि आप देख सकते हैं इतना महंगा महंगा पौधा लगाए हैं, और इस सभी पौधों को हो सकता है कोई अगर उखाड़ के लेकर चलिए जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, इसके चलते से इसमें हम लगाए हैं। और इसमें हम रेहू नैनी कतला का बच्चा तो डाल दिए हैं, मगर फिलहाल प्यासी जो है अगले मंथ में 20 या 25 तारीख तक डालने, 3-4 प्रकार का बच्चा है रेहू नैनी कतला, देख सकते हैं।